रिमझिम रिमझिम तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, तो क्यों इतने स्टूपिड सवाल पूछते हैं? हाँ तो भड़क क्यों रही? मैं इतना कहने आया हूँ कि जल्दी तैयार हो जाओ। याद नहीं है हमें सिमरन के यहाँ जाना है? आप अब भी हमें सिमरन के यहाँ ले जाएंगे? सिमरन सुनेगी ना तो हमें पीट के भगा देगी। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगा बस। तो हमारे पास एक आइडिया है। हाँ तो बोलो। महाराज जी से कहिए, वो चलने को तैयार हो जाएंगे और खान चाचा भी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर आप माँ जी से कहिएगा, वो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ना। बाबूजी को हम मना लेंगे। और यशोदा भाभी बेचारी दिन भर घर में बैठी बैठी बहुत बोर हो जाती होंगी, उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। इन सबको आप तैयार करिए, हम अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला लेंगे, सब साथ में मिलकर जाएंगे, ठीक है? वेरी स्मार्ट। आप इतने बुद्धू क्यों हैं? आप सिमरन के पास जाइए, उससे कुछ प्यार भरी बातें करिए, उसे बाहर ले जाइए। आप हमें कबाब में हड्डी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं? बस ये लड़की ठीक कह रही है, आखिर वो वहां जाके क्या करेगी? मामा आप भूल गई आपने क्या कहा था? आप ही ने कहा था कि हमें वहां न्योता लेके जाना होगा। ये बात भी सही है, आखिर वहां शगुन की थाली लेके कौन जाएगा? अविनाश बेटा तुम जाओ और गाड़ी निकालो, मैं इस लड़की को शगुन के थाली के साथ भेजती हूँ। जी मामा। रिमझिम प्लीज अब देर मत करना, जल्दी आना। बाय मामा। ए लड़की, अब तुम्हें समझ में आया कि इस घर में तुम्हारी औकात क्या है? इस काम के लिए मैं महाराज जी को भी कह सकती थी, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए मैं उन्हें परेशान क्यों करूं? जाओ, शगुन की थाली मंदिर में रखी है, उसे ले जाओ। और सुनो, वहां जाके अपनी लंबी जबान मत चलाना। वहां के लोगों को यह ना लगे कि हमारे घर में नौकर जैसे लोगों को बोलने की तमीज नहीं है। ये लड़की, अगर तुम्हारे में इतनी सी भी शर्म बाकी है ना, तो अविनाश के शादी के बाद अलाहाबाद रवाना हो जाना, समझी? माजी, हम तो अविनाश की शादी तक भी नहीं रुकेंगे। नहीं नहीं वर्मा साहब, लालवानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई वक्त बहुत खराब आ गया है, और फिर लालवानी साहब ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे अच्छे वक्त में, हमारे बुरे वक्त में। देखिए नैना जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि आप ही इस कुर्सी पर हमेशा की तरह बैठी रहे, लेकिन थोड़ा टेंशन तो होता ही है ना, आखिर हमारे भी पैसे लगे। हाँ, और अगर आपको कुछ हो गया या आप सत्ता पर नहीं रही तो हमारे तो पैसे डूब ही गए समझो, और वो जो दूसरा आएगा उसको फिर से पैसे देने पड़ेंगे, वो अलग। लालवानी साहब, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, इसीलिए तो मैंने ये मीटिंग बुलवाई है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों में से किसी का भी कोई भी नुकसान, इसीलिए मैं कावेरी को राजनीति में लाना चाहती हूं। यह है मेरी बेटी कावेरी, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है अपनी कॉलेज में, कॉलेज के हर सोशल वर्क में सबसे आगे, अखबारों में भी बहुत चर्चा हुई थी इसकी, आजकल सोशल वर्क कर रही है। मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहती हूं कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे अधूरे काम मेरी बेटी कावेरी पूरा करेगी। लेकिन नैना देवी, कावेरी जी अभी अभी आएगी और अभी अभी उन्हें सत्ता मिल जाएगी। लालवानी साहब, बात अंतराल की नहीं है, हम कावेरी को इस तरीके से राजनीति में लाएंगे कि उसे सारे पावर मिले जो मेरे ख्वाब हैं। इस बात की चर्चा अभी मीडिया या प्रेस में करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग बहुत ही धमाकेदार और सनसनीखेज तरीके से करना चाहती हूं।
हाँ बोलो प्रतीक। कावेरी कावेरी मेरी बात सुनो, मैंने मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती हूँ, रात को जब घर आऊंगी तब आराम से बैठ के बात करेंगे। कावेरी बहुत जरूरी बात करनी है। बाय प्रतीक। देखो मैंने हेलो हेलो नसीब में ये लिखा है तो यही सही, कम से कम वकालत की डिग्री काम तो आ जाएगी। आज से मैं प्रतीक शर्मा बीए एलएलबी अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुनूंगा, अपनी काबिलियत और अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपना वजूद खुद बनाऊंगा। मुझे आज पहली बार पता चला कि तुम भी इतनी ऊंची आवाज में बात कर सकते हो। कावेरी, आज से अपनी वकालत शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। वैसे इस काले कोट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। कौन सा केस लड़ने जा रहे हो? केस तो अभी यानी कोई केस नहीं है। तो क्या तुम कोर्ट के बाहर खड़े रहकर क्लाइंट्स का इंतजार करोगे? वेरी नाइस। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक का बेटा कोर्ट के बाहर खड़े रहकर लोगों के एफिडेविट और मैरिज सर्टिफिकेट बनाता है। वेरी नाइस। बस कावेरी, बहुत हो गया। चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो ना से कम से कम मेरी और मेरी मम्मी के बारे में तो सोचा होता। क्यों? मैं अपने बल बूते पर कुछ करना चाहूं, उसमें हर्ज क्या है? लेकिन क्यों तुमने अपनी फैक्ट्री क्यों छोड़ी? तुम्हें क्या लगता है कि फैक्ट्री में हड़ताल तुम्हारी वजह से हुई है? तुम्हें क्या लगता है राकेश भैया को वर्करों ने मारा? ओह कम ऑन प्रतीक, इतने नादान मत बनो, जरा तो अपना दिमाग लगाओ। कावेरी, तुम्हारी सोच दिन ब दिन एक पॉलिटिशियन जैसी होती जा रही है। दिन ब दिन तुम पॉलिटिक्स में घुसती जा रही हो। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, इसमें भी अगर मेरे और मेरी मम्मी की अगर बस बहुत हो चुका। नहीं करनी मुझे प्रैक्टिस, नहीं करनी। उमा देवी जी, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, जानती हैं आप? आप पूछेंगे नहीं हमसे कि क्या खुशी का दिन? हाँ, आज आज हमारे बेटे का रिश्ता तय होने वाला है ना। खुशी की बात? क्या बात, आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई है? आप इस रिश्ते से खुश नहीं? क्यों? सुनिए कलावती जी, प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं उमा देवी के साथ बात कर रहा हूं तो आप प्लीज प्लीज बीच में मत बोला कीजिए। मैंने कहा सुनिए। आप है, मैं समझा। कहिए। मैंने आपके लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, आप फ्रेश होकर तैयार हो जाइएगा। आप तैयार हो जाओ, क्यों? ऐसी क्या खास बात है आज? कोई क्रिसमस, न्यू ईयर? ओ ओ ओ, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है तो फिर क्या हो? ओ, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। स्ट्रेंज, तो क्या है आज? आज हमारे बेटे का रिश्ता तय होने वाला है। सिमरन और उसके पापा यहाँ आने वाले हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप भूल गए। कैसे भूल सकता हूँ बीवी? तो फिर आप बहाना क्यों बना रहे हैं भूलने का? या आप रिश्ते से नाखुश हैं?
मेरे खुश ना खुश होने से क्या फर्क पड़ता है? होना तो वही है जो आप चाहेंगी। तो आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि जब आपके बेटे का रिश्ता तय होगा आप वहां पे होंगे या फिर? कैसी बातें कर रही हो बीबी? कैसी बातें कर रही हो? हमारे बेटे का रिश्ता तय हो रहा है तो हमें तो वहां होना पड़ेगा ही भाई। एक दफा पूछ लेना अच्छा होता है ना। क्या पता कि आप अभी भी सपना देख रहे हैं कि वो लड़की इस घर की बहू बने। हमारे हमारे सपने देखने से क्या होता है? नाइटमेयर तो तुम्हारा ही पूरा होने वाला है। क्या 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 मतलब? नाइटवेयर, नाइट के कपड़े उतार के आता हूँ, तैयार होके आता हूँ, और क्या। मैडम, शेयर्स के भाव गिरा दिए गए हैं। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज घाटे में चल रही है। अब उनके पास बाहर से फाइनेंस लेने के अलावा और उन्हें फाइनेंस मिलना भी नहीं चाहिए। मिस्टर मोदी जी, मैडम, मुझे उन सारे फाइनेंसेस की लिस्ट चाहिए जिनसे राकेश डील कर रहा है। राकेश को किसी भी कीमत पर फाइनेंस नहीं मिलना चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुक्ला जी कि मैं क्या करूं। ये हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतीक के हाथ में ये प्रोजेक्ट सौंप कर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राकेश, आप प्रतीक को गलत समझ रहे हैं। वो तो गलत समझ रहा हूं। आप उसे सही समझते हैं तो फिर आपने उसे समझाया क्यों नहीं? इसीलिए तो मैंने आपको उसके साथ रखा था ना। ये तो शुक्र है कि मोदी ने बात संभाल ली। अगर कोई और होता ना तो ये प्रोजेक्ट कब का डूब चुका होता। आप मोदी पर इतना बड़ा विश्वास कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं राकेश। अब आप समझाएंगे हमें किस पर विश्वास करना और किस पर नहीं? मैं आ गया मैं। आओ मोदी, आओ। क्या बात है भाई, ये कब तक सुलझ जाएगा सब? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं राकेश, लेकिन वो तिवारी तिवारी ऐसे मानने वाला नहीं है। तो जो चाहता है उसे दे दो और बात को खत्म करो। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर सारे वर्कर काम पर वापस चाहिए। एक तरीका हो सकता है राकेश, अगर हम उसे 1-2 लाख रुपया ऑफर करें तो शायद मान जाए। कर दो ऑफर, कर दो। बल्कि मैं तो कहता हूं मेरी तरफ से 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो उसे। लेकिन इस सारे मामले को रफा दफा करो, इस हड़ताल को खत्म करवाओ प्लीज। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूं। ओके। बस तो कर्नल साहब, यही है हमारा छोटा सा परिवार। भवानी शंकर जी, आपके परिवार से मिलकर मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी हुई। बस हम तो दो ही हैं, मैं और मेरी ये छोटी सी गुड़िया। कर्नल साहब, हम चाहते हैं कि आपकी ये छोटी सी गुड़िया हमारी घर की बहू बने। मुझे बहुत खुशी होगी भाभी जी, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। मुबारक हो जी, मुबारक हो कर्नल साहब, मुबारक हो। अरे हाँ, रिमझिम नजर नहीं आ रही बेटे, वो तो हमारी तरफ से आने वाली थी। आखिर वो हमारी बेटी जैसी है। एक्सक्यूज मी, आपकी बेटी जैसी है? क्यों? आपकी तरफ से आने वाली थी जी। डोंट माइंड, पर रिमझिम जो है हमारी बेटी। देखिए भवानी शंकर जी, अगर आज वो नहीं होती तो शायद आज हम इस तरह नहीं मिल रहे होते, क्योंकि उसी ने हमारी बेटी को शादी के माने बताए और इस रिश्ते के लिए राजी किया। जी हाँ, लेकिन है वो कहाँ? अंकल, हम यहाँ हैं। नमस्ते। बेटे, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। वैसे बाय द वे, ये क्या सुन रहा हूँ, पार्टी बदल ली तुमने? आए, तुम लड़की वालों की तरफ से आने वाली हो? नहीं बाबूजी, दरअसल सिमरन थोड़ी नर्वस हो गई थी तो हम उसकी मदद कर रहे हैं।
जब रिश्ता तय हो ही गया है तो फिर ये भी तय कर लें कि मंगनी कब होगी, शादी कब करेंगे। हमें थोड़ी शादी में जल्दी है। भाभी जी, जब आप तय करें तब मुझे खुशी होगी। लो जी, कह दिया। लेकिन बेटे, ये तमाम शादी की जो तैयारियां हैं वो आपको करनी है, समझे? जरूर जरूर, कह दिया उसने, करेंगे कर्नल साहब, लेकिन लड़के वालों की तरफ से। बेटे हमारी तरफ से। ना ना ना, ऐसा तो नहीं। अरे हम दोनों तरफ की तैयारियां कर लेंगे बहुत आराम से। अच्छा, तुम दोनों तरफ से करोगी और हम? अरे हम कोई नहीं लगते अब तुम्हारे, ठीक है? बाबूजी है ना। अरे बाबूजी से क्या होता है बेटा, सारे काम है। ए लड़की, चाय लाना, जाओ। हम किचन में यशोदा भाभी की मदद कर रहे हैं। अरे नहीं बेटे, कर्नल साहब तुमसे बात कर रहे थे। हाँ, क्या बात कर? बाबूजी वो अकेली है ना। बैठिए ना कर्नल साहब, आप खड़े क्यों हैं? शुक्रिया शुक्रिया, मैं आपको ये गर्मा गर्म कचौड़ियां खिलाता हूं। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सिमरन और अविनाश का रिश्ता तय हो गया। अब आपसे मांगने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं बचा। बस अब एक और इजाजत दे दीजिए हमें इलाहाबाद वापस जाने की। हमारा काम तो खत्म हो गया। तो गोपाल जी से बातें हो रही हैं? रिमझिम, फाइनली मेरा और सिमरन का शादी करने का सपना पूरा हो गया। आप ज्यादा खुश मत होइए, अभी तक शादी हुई नहीं है। अरे तो क्या हो गया, रिश्ते की बात तो चल गई ना, शादी भी हो जाएगी। एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया था। हाँ रिमझिम, मुझे और सिमरन को मिलवाने में तुमने जो भी मदद की है, नो रियली, कोई बेस्ट फ्रेंड ही कर सकती थी। तो आपने सोच लिया है कि आप हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते? क्यों भाई, हम आपसे दोस्ती क्यों नहीं रखना चाहेंगे? हमने आपसे कल क्या कहा था? दोस्ती में ना थैंक यू और ना ना सॉरी। ओके, भूल गया, आई एम सॉरी। अरे बस इसी तरह खुश रहिए, हंसते रहिए। हमने तो आपको सिमरन से मिला दिया है, लेकिन सिमरन को खुश रखना ये आपका फर्ज है। अच्छा चलिए, अब आप जाइए, हमें गोपाल जी से कुछ और बातें करनी है। ठीक है। महाराज जी, क्या बात है, सुबह सुबह काहे शोरगुल मचाए हुए हैं आप? अरे खान कम थका भाई, जब ये आए गई हैं। काहे गवा? अरे जब देखो तब उसके साथ बैठ के गप सटाका करती रहती है, और वो है जो इनको बहकाते रहता है। अरे पर ये बेचारी बिल्लू पर काहे भिड़भिड़ा रहे हैं आप? अरे ये बहकती रहती है ना भाई, घर में इतना काम पड़ा हुआ है और ये किनके पास टाइम ही नहीं है। ये का है? ये पोस्टमैन दे गवा रहा हमारा का। हाँ चलो अंदर चलो, काम पड़ा हुआ है, जब देखो तब टपा टपा करके उससे बात करते जाओ।